ख़बर शामिल करते हैं लाहौर से पीटीआई की गिरफ़्तार ख़्वात ने जेल में बदसलूकी की तरदीद कर दी पीटीआई की गिरफ़्तार ख़्वान ने अपने बयान में जेल में बदसलूकी की तरदीद की है अदालत में पेशी से क़बल पीटीआई की गिरफ़्तार ख़ातून सनम जावेद ख़ान ने जेल में तशद्द के इल्ज़ाम से मुत्ल सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जेल में कोई ज़्यादती नहीं हुई क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो ज़्यादती किया होगी दूसरी खातून ने कहा कि इससे ज़्यादा की ज्यादती हो सकती है कि हमें बेगुना जेल में रखा उनके अलावा आलिया हमज़ा ने कहा कि उन्होंने जिस तरह घर पर धावा बोला क्या वो काबिल मजम्मत नहीं एक खातून ने कहा कि अगर आपको सोशल अकाउंट से मसला है तो सोशल मीडिया के, के केस करें इस तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाना ज़रूरी है वाजह रहे कि पी टी की जानब से जेलों में ख्वातन कारकुनों के साथ पुलिस की बदसलूकी का इल्जाम आयद किया गया था इस हवाले से मज़ीद कहा गया था कि जेलों में ख़्वातन से बदसलूकी के वाकयात को साज़िश कहकर छुपाया जा रहा है के मैं, आ, मुख्णी मुख्णी बातें चल रही थी जेल में पर किया जा रहा है और इस तरह से क्या जेल में हमारे साथ कोई नहीं हुई हमें जेल में रखना ही जाती थी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए और सबसे बड़ी बात यह की तस्वीर काफ़ी है की आप औरतों को घरों से आधी रातों को उठा कर लाएंगे घर सीट के लाएंगे इससे ज्यादा आप औरतों की क्या तस्वीर है और अगर आपको उनके सोशल अकाउंट से प्रॉब्लम है तो सोशल मीडिया के केस करें इस तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाना जरूरी